हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आज फिर से एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, इसमें देखने वाली बात है कि इसका मार्केट कैप 744 करोड़ का है, स्टॉक पी 2.23 है, ROC और ROE बहुत ही अच्छा है, जो कि ROC 66.0% है और ROE 50.2% है। करेंट प्राइस इसका 230 रुपया है जबकि बुक वैल्यू 243 रुपया है, तो अपने बुक वैल्यू से नीचे में अभी ये शेयर का प्राइस ट्रेड कर रही है। 52 वीक का हाई लो 347 रुपया और 112 रुपया, 52 वीक का हाई से भी नीचे में अभी ये शेयर ट्रेड कर रही है। तो ये दो है प्लस पॉइंट मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार, सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। जैसा कि आपको दिख रहा है अबाउट, यानी कि इसके बारे में, कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड इज एन NBFC रजिस्टर्ड विथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइडिंग लोन्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट और लोन प्रोवाइडिंग करता है ये कंपनी। तो इसका मुख्य रूप से यही बिजनेस है। इस शेयर का वन ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ समय कंसोलिडेट करके अप ट्रेंड बनेगी। बाकी देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है। इस कंपनी में प्रोज तीन है। पहला है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, दूसरा है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.95 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, और तीसरा है कंपनी हैज़ डिलीवरेड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 208% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, और इसमें कॉन्स मात्र एक है। थॉ द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट रिपीट दे रही है, रिपीट कर रही है और डिविडेंड पे नहीं कर रही है। तो इसमें कुछ खास कॉन्स तो है नहीं मेरे समझदारी के अनुसार। और थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे क्वार्टर्स रिजल्ट पे, तो दिसंबर 2023 में जहां पर सेल्स 14 करोड़ 41 लाख का है, वहीं पे नाम मात्र का एक्सपेंस है जो कि 98 लाख का है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13 करोड़ 43 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 93.20%, काफ़ी अच्छा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अदर इनकम 2 लाख का है, इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं की और डिप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 करोड़ 45 लाख का, टैक्स पेड की 26.62% का, नेट प्रॉफिट 9 करोड़ 87 लाख का, जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर 3.05 रुपया। तो जिस तरीके से इसमें एक्सपेंस नाम मात्र का है और सेल्स काफ़ी अच्छा है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ये शेयर प्राइस कम से कम 300 को टच कर जाएगा। मिनिमम मेरा माने तो 1 से 1.5 महीना में। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं रहता है, इन्वेस्टमेंट करें अपने बुद्धि विवेक अनुसार, सूझबूझ के अनुसार ही दोस्तों। जैसा कि लास्ट 12 मंथ का सेल्स देखते हैं तो 445 करोड़ का और एक्सपेंस नाम मात्र का 8 करोड़ का है, 9 के बराबर एक्सपेंस है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 437 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 441 करोड़ का, काफ़ी अच्छा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस शेयर का। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी इस पर सोच विचार करें इस शेयर के बारे में। नेट प्रॉफिट 334 करोड़ का,
अर्निंग पर शेयर 103.27 रुपया एक साल का। सोच करके देखिए, अगर ऐसा रिजल्ट रहा इस शेयर का तो इसका प्राइस कहां से कहां तक चला जाएगा बहुत ही कम समय में। बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छा है इस शेयर का, जहां पर कि इक्विटी कैपिटल 32 करोड़ का है, वहीं पे रिजर्व 754 करोड़ का हो चुका है और बोरोइंग कुछ भी नहीं है। अदर लाइबिलिटीज 131 करोड़ का नाम मात्र का, जहां पर इसका रिजर्व है इतनी अच्छी। टोटल लाइबिलिटीज 917 करोड़ का, फिक्स एसेट इसके पास में है 1 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट 911 करोड़ का, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जहां पर कि नाम मात्र का 300-400 करोड़ का होता था इन्वेस्टमेंट, वहां पर अभी 911 करोड़ का हो चुका है। और अदर एसेट 5 करोड़ का है इसके पास, ये भी पॉजिटिव साइन है कि अदर एसेट नाम मात्र का अब रह चुका है और टोटल एसेट 917 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जून 2021 में 71.53% था प्रमोटर के पास में, जो कि अभी मार्च 2024 में 74.89% का हो चुका है। और FIH के पास में 2.96% का है अभी और DIH के पास में नाम मात्र का है 0.02% का, पब्लिक के पास में 22.13% का है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो इसमें अभी 19,285 शेयर होल्डर्स है इस कंपनी में, जो कि जून 2021 में 13,360 था। ये इस शेयर के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान बढ़ रहा है अभी। इसमें न्यूज लास्ट अपडेट 23 अप्रैल 2024 का ही है, डिस्क्लोजर अंडर सेबी टैक ओवर रेगुलेशन से संबंधित, उसके बाद में कोई भी न्यूज नहीं है अभी। नेक्स्ट न्यूज आते ही मैं अपडेट करूंगा इस शेयर के लिए, क्योंकि ये शेयर मुझे तो पसंद है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार करें दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अब एक नज़र डालते हैं nseindia.com वेबसाइट पे, कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, इसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 230 रुपया। और इस शेयर में आज के डेट में 12 क्वांटिटी का ऑर्डर लग चुका है, मतलब लगा हुआ ही है बाई करने के लिए 229.95 रुपया पे, और सेल क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, यानी कि नेक्स्ट डे इसमें अपट्रेंड बनना चाहिए फिर से। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। अंत में इस शेयर के बारे में सारांश यही हो सकता है कि इसके पास रिजर्व काफ़ी अच्छा है और रिजल्ट भी अच्छा शो हो रहा है, सेल्स भी बढ़ते क्रम में है और एक्सपेंस नाम मात्र का है, जिसके वजह से ये फ्यूचर में कंपनी बहुत ही अच्छा करने वाली है, यानी कि इसका शेयर प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगी, नीचे की तरफ तो कम उम्मीद है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शेयर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।